नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आगामी शरद पूर्णिमा पर गोवर्धन स्थित गिरिराज जी मंदिर पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। तो वहीं आगामी शरद पूर्णिमा पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जहां जिला प्रशासन अलर्ट है, तो इस दौरान गोवर्धन में सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम नजर आए। संदर्भ में गिरिराज जी मंदिर की सेवायत ने जानकारी देते हुए बताया। गोवर्धन से देखिए कृष्ण गुप्ता के साथ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक और आस्था का सैलाब है गिरिराज बाबा के मंदिर में। आप देख रहे हैं जैसा कि, और हमारे साथ हैं मंदिर के सेवायत, इनसे जानते हैं इनकी जुबानी। आगामी जो शरद पूर्णिमा है उस पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ पर? गिरिराज जी महाराज की एकादशी से पूर्णिमा जी ने विशाल तीर्थयात्री आई है। गिरिराज जी महाराज का पूजन होगा, प्रतिमा लगेगी और गिरिराज जी महाराज मनोकामना की हड्डी लगाएंगी। गिरिराज जी महाराज प्रतिमा तीर्थयात्री आते हैं, जो मनोकामना पूरी होती है और तुरंत ही गंगा स्नान करके अपना जीवन सफल बनाते हैं जी। और बाहर से जो श्रद्धालुगण आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बाहर से जो लोग आएंगे दर्शन करने, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं रही? आगे उनके लिए सुविधा की गई है, खाने के लिए स्नान यथा जल पानी सभी आदर बनाए गए हैं। चलिएगा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रद्धालुगण हमारे साथ हैं देखिए यहाँ पर, और ये देखो हम आपको बता दें कि बोलो गिरिराज महाराज की जय। आप कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो? बलरामपुर जिला। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है दर्शन करके? और ये देखो एक और यहाँ पर जो सैलाब नजर आ रहा है वो आप देख ही रहे हैं, और जो यहाँ के सेवायत हैं उन्होंने बताया वो आपने सुना ही। सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ तरीके से इंतजाम नजर आ रहे हैं माकूल यहाँ पर। शरद पूर्णिमा पर जो कार्यक्रम है वो इन्होंने बताया, आपने सुना ही। गोवर्धन से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।